हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एस एम टी टेन नोटिस एस एम टी नोटिस क्या होता है यह नोटिस क्यों आता है नोटिस आने के बाद आपको कितने दिन के अंदर उसका रिप्लाई करना है और उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है जीएसटी पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे कि नोटिस आया है वह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है सबसे पहले बात करते हैं सर एस एम टी टेन नोटिस क्या होता है

जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एस एम टी नोटिस आया हुआ है तो आपको तीस दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है। और तीस दिन के अंदर अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो कभी केसेस में और एक्सटेंड हो जाता है लेकिन आपको तीस दिन के अंदर उसका रिप्लाई आपको करना है। अब बात करते हैं सर रीजन फॉर इश्यूइंग जीएसटी रीजन क्या है एस एम टी टेन नोटिस आपको क्यों आता है?

लेकिन कभी कभी केसेस में क्या होता है कि हमने जीएसटीआर के अंदर तो ज्यादा टैक्स इनवॉइस दिखा दिए ज्यादा सेल्स दिखा दिया लेकिन जीएसटीआर जीएसटीआर के अंदर हम जो भी टैक्स बन रहा है जीएसटी उतना पेमेंट हम जीएसटीआर थ्री बी के अंदर नहीं करते हैं तो आपका एस एम टी टेन का नोटिस आता इफ एज पर जीएसटी पोर्टल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर वन इज हायर देन

दूसरी बात तो यह आती है कि सर हाँ आपकी जो आईटीसी थी उससे ज्यादा आईटीसी आपने अवेल की कभी कभी क्या होता है सर हमारी जो ITC, हमारी जो आईटीसी है 2A, 2B में तो शो होती है, लेकिन वो ब्लॉक आईटीसी में आती है इन एलिजिबल होती है हम उसका आईटीसी नहीं ले सकते तो ऐसे केसेस में अगर आपने वो आई ले रखी है जो इन एलिजिबल आई है वो अगर आपने अवेल की है तो भी डिपार्टमेंट आपको एस एम के थ्रू आपको नोटिस सेंड करेगा आई टी सी इज अपरिंग

टैक्स पेर इज रिक्वायर टू फॉर प्रॉपर रिकनसिलेशन ऑफ आई टीसीम इन जीएसटीएसटी अगर इस टाइप का अगर कोई भी नोटिस आता है उसका अगर आपको रिप्लाई करना है तो प्रॉपर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको वहां पर अटैच करना होगा अगर आप अपनी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स जिसमें टोटल नाइन्थ मॉड्यूल्स कवर होते हैं सर अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग प्राइम जीएसटी इनकम टैक्स टी डी एस टी सी एस एडवांस एक्सएल पावर पॉइंट है सर अगर एन एवरेज अगर एवरेज हम देखें तो 350 प्लस आर्ट्स का कोर्स है बहुत ही मिनिमम प्राइस में ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको ये मिल रहा है इस कोर्स की इंक्वायरी के लिए आपको नंबर दे रखा है सेवन थ्री एट नाइन सेवन एट ट्रिपल वन सेवन अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी करें चलिए अब बात करते हैं कि ये जो नोटिस आपको आया हुआ इस नोटिस को आप जीएसटी पोर्टल पर कहां से चेक करें कि ये नोटिस आपका आया है। आपको करना है सर जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन लॉग आपको सर्विस में सर्विस में आपको जाना है यूजर यूजर सर्विस सर्विस में जैसे ही आप यूजर पर अपना कर्सर लेके जाएंगे आपको इस टाइप के इतने सारे ऑप्शन आपको यहां पर ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको जाना है सर व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर जैसे ही आप व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सर इस टाइप से यहां पर आपको जाना है सर एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर पर आपको नोटिस एंड ऑर्डर मिलेगा इसके बाद आपको क्लिक करना है सर एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर जैसे ही आप एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको स्क्रूटनी ऑफ ऑफ नोटिस टेन फॉर्म मिलेगा इसके बाद आपको यहां पर व्यू का ऑप्शन जैसे ही आप व्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर ये इस टाइप का ऑप्शंस मिलेगा सर नोटिस नोटिस में ट्वेंटी फाइव वन टू फिर ये डेट आती है पर्सनल क्शन सेक्शन 61 और आपको यहाँ पर पीरियड दे रखा है कि कौन कौन से पीरियड का आपको ये जो नोटिस है वो आपका आया हुआ है इसके बाद आपको क्या करना है सर सिंपल ये जो नोटिस आपका आ गया व्यू करना है व्यू करने के बाद आप नोटिस डाउनलोड के ऑप्शन आते हैं वो डाउनलोड कीजिएगा उसके अंदर जो भी डिटेल्स दे रखी है उस डिटेल्स को आपको क्या करना है प्रॉपर तरीके से रीड करना है ये हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर आप ये नोटिस कैसे शो होता है उसका रिप्लाई आपको एसएमटी 11 फॉर्म के अंदर uh, 11 के अंदर आपको कैसे देना है क्या-क्या डिटेल्स -क्या आपको वहां पर फिल करनी है डीआरसी 03 के थ्रू आपको टैक्स का पेमेंट कैसे करना है वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाला अब बात करते हैं

टैक्स पेड एड्रेस एंड एवरी फर्निश प्रॉपर रिकनसिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शिपिंग बिल बिल्स ऑफ एंट्री कॉपी ऑफ इन्वॉइस सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन वाइल सबमिटिंग रिस्पॉन्स सर अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस का अगर आपको नोटिस आया या फिर आपको इन एलिजिबल आई का नोटिस आया है तो आपको ये सभी डिटेल्स वहां पर आपको अपलोड करनी है वहां पर आपको प्रोवाइड करनी है इफ डेट ऑफ पर्सनल हायरिंग इज इज गिवन इन इन द द नोटिस टैक्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट बिफोर अथॉरिटी स्पेसिफाइड ड्यू डेट अगर सर आपके हायरिंग की डेट अगर आपको दे रखी रखिये वहां पर जाकर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में जाकर बात करनी है तो फिर आपको वहां पर उस डेट के पहले पहले वहां पर आपको पहुंच जाना अब बात कर रहे हैं कि सर अगर आपकी नोटिस आया और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो

पेनल्टी और ये सब चीजें अभी आपको ऐड नहीं करनी है क्यों नहीं करनी है क्योंकि नोटिस में अगर आपको कुछ भी बोला हुआ नहीं है और थर्टी डेज के अंदर अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपल जो भी अमाउंट आपको वहां पर बोला गया उतना अमाउंट आप वहां पर एंटर कर लें और डी आर के जो अंदर जो भी पेमेंट आप कर रहे हो पेमेंट करने के बाद डी आर का जो फॉर्म होता है वो आपको एस एम जब आप रिप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको ये अटैच करना ओके okay? अगर आप उसको डिसएग्री करते हैं डिसेग्री का मतलब होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो भी स्क्रूटनी निकाली और वो आपके हिसाब से एग्री नहीं है आप इसमें एग्री नहीं करते हैं आपके हिसाब से वो गलत है और आपने जो फाइल किया हो वो सही है तो फिर आप क्या कर सकते हैं फैक्ट द कैसे लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एटसेट्रा तो ये चीजें आपको वहां पर देनी होती है अगर आप इसमें डिसएग्री करते हैं तो अब बात करते हैं आर द एक्शन अगर आप रिस्पॉन्स कर देते हो इसके बाद जीएसटी तो डिपार्टमेंट किस तरह से एक्शन लेता है पेमेंट की डिमांड थी आपने डीआरसी आर जीरो थ्री के थ्रू उसका पेमेंट कर दिया तो यहां पर इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड पेयर देंट विल इश्यू ऑर्डर जीएसटी आपको जो रिप्लाई करना है वो जीएसटी एस एम टी इलेवन में करना है और अगर डिपार्टमेंट या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर आपको वहां पर ऑर्डर देते हैं एस एम टी टिप्लाईज फाउंड सेटिस एस एम टी ट्वेल्व फॉलो क्या दिखे आता है इट हैज your टू has इन found टू द no further योर रिप्लाई बीन फाउंड taken इन द मैटर यानी कि

erroneous refund incorrect utilization input tax credit without any intention fraud willful misstatement suppression of fact इस तरह के कोई भी और notices आपको department वहां पर send कर सकता है अब simple, ये था सर एसएमटी 10 नोटिस एसएमटी 10 नोटिस क्यों आता है किस परपस से आता है उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला है अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांस एक्सेल पाइवॉट वी लुकअप एच लुकअप ये सब कुछ तो आप हमारा एडवांस यानी कि टैक्स कंसल्टेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे एक बार उस पर आप क्लिक करें उसके कोर्स के कंटेंट को आप वहां पर देखें और एक बार कॉन्टेक्ट आप हमसे जरूर करें सबसे मिनिमम प्राइस में इतना सारा कंटेंट आपको यहां पर मिल रहा है तो आज के लिए बस इतना नेक्स्ट लेक्चर्स प्रैक्टिकल में हम फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच